जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां कई सदियों पहले रानी पद्मावती का महल स्थित था। रानी पद्मावती अपनी खूबसूरती और वीरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके जीवन का अंत एक दुखद घटना में हुआ। उनका महल अब खंडहर हो चुका है और लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक बार गांव के कुछ युवाओं ने यह साबित करने का निर्णय लिया कि महल में कोई भूत प्रेत नहीं है। वे रात के समय महल में गए और जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। उनके सामने महल की टूटी फूटी दीवारों के बीच एक छाया दिखी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वह छाया और स्पष्ट होती गई। छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी, जिसके सिर पर एक भारी मुकुट था और उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध झलक रहा था। यह रानी पद्मावती की आत्मा थी, जिसे अब तक शांति नहीं मिली थी। वह युवाओं से कहने लगी, यह महल मेरा है, मैंने इसे अपनी जान देकर बचाया था और अब यह मेरी आत्मा का घर है। यहाँ से जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डरे हुए युवाओं ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी और युवाओं के शरीर पर ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने देखा कि रानी पद्मावती की आत्मा उनके चारों ओर घूम रही थी, जैसे उन्हें कभी जाने नहीं देना चाहती। आखिरकार उनमें से एक ने हिम्मत करके रानी पद्मावती से पूछा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों रोक रही हैं? रानी की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। इस महल में एक खजाना छिपा है, जिसे किसी ने आज तक नहीं खोजा। जो भी उस खजाने को खोजकर मुझे सौंप देगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तब तक यहाँ आने वाला हर व्यक्ति को डर का सामना करना पड़ेगा। युवाओं ने वादा किया कि वे खजाने को ढूंढकर रानी की आत्मा को मुक्त दिलाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन वे महल के युगुप्त हिस्सों में जाकर खजाने की खोज में जुट गए, लेकिन क्या वे खजाना पा सके और रानी को शांति मिली, या वो भी महल में रहस्य बनकर रह गए? तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।